तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। आज शुरू करते हैं एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, यानी कि ओप एम्प। आज हम बात करेंगे कि हमारा ओप एम्प क्या होता है। तो इसमें हम देखेंगे ओप एम्प, तो हम इसमें पॉइंट बाय पॉइंट ओप एम्प के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है ओप एम्प इज ए ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो इसका जो पूरा नाम है वो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। सेकंड पॉइंट, इट इज ए यूज्ड टू कैलकुलेट द मैथमेटिकल कंडीशंस। तो इसमें क्या करते हैं, हम अपनी मैथमेटिकल कंडीशंस को कैलकुलेट करते हैं। लाइक दैट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। तो जिसने मैंने सारी मैथमेटिकल कंडीशन है उन्हें इसमें डिस्क्राइब करते हैं। अब चलते हैं डायग्राम के बारे में, इसमें बात करते हैं। जो डायग्राम है वो एक ट्रायंगल के जैसा हमें दिखता है। इसमें हमारा एक नेगेटिव पॉइंट, एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है उसे हम इन्वर्टिंग टर्मिनल कहते हैं, और जो हमारा पॉजिटिव पॉइंट है उसे हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल कहते हैं, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। अब देखो, वेव फॉर्म से हम इसे समझ लेते हैं। बात करते हैं सबसे पहले इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो वेव फॉर्म यानी नेगेटिव टर्मिनल। वेव फॉर्म में इसके देखते हैं, ये जैसे वेव फॉर्म में ये पॉजिटिव जीरो से स्टार्ट हो रही है, लेकिन जो वेव फॉर्म आउटपुट पर मिलेगी वो नेगेटिव से स्टार्ट मिलेगी, तो ये फेज को हमारा चेंज कर देगा। अब बात करते हैं नाउ नॉन इन्वर्ट इन्वर्टिंग टर्मिनल। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में क्या होता है, जो हमारा साइनोसोइडल वेव है वो हमारी एज इट इज रहती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता उसके आउटपुट में। तो हमारी जो है ये एज इट इज ऐसे ही रहेगी। अब बात करते हैं इसके, हम दो पॉइंटों से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं दोनों टर्मिनल को। तो इन्वर्टिंग मीन्स चेंज द फेज ऑफ सिग्नल, यानी कि सिग्नल का जो है वो फेज चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव है और नेगेटिव हो जाएगा। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में क्या होता है, नो चेंज फेज इन इन सिग्नल की फेज का कोई भी जो सिग्नल का कोई भी जो फेस है वो चेंज नहीं होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नई नई वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ग्रो विद आशीष को, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।